आपका पहले शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने आया, आपको मुझे मौका मिला है आपसे बात करने के लिए। ये जो है ये सारा ड्रामा है। उस वक्त हमने जब कि महाबा जी ने भी उस वक्त मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब के नर्से में 5 किलो ज़्यादा एक्स्ट्रा किया था, ये सिर्फ इसलिए किया था कि गरीब बच जाएंगे। ये 3 रुपया भी उसी ने किया था, उस वक्त बाजाबता तौर इसका ऑर्डर मिला। मगर आज जब उन्होंने 40 स्टोर वालों ने, गवर्नमेंट डायरेक्टर ने अलग और एक कॉर्नर निकाला कि जबकि लोगों के पास इस वक्त ये जो आधार कार्ड है वो नहीं है, ये कह रहा है कि भाई अंगूठा करो आप राशन ले लो। 15 किलो जिसके पास है वो क्या निकले घर से कि वो बीमार हैं या कोई किसी का खावन नहीं है, उस वो बेवा है, वो कैसे निकलेंगे? फिर वो मशीन पर अंगूठा करेंगे, घर में कोई 5 किलो के लिए भी उसके, ये बिल्कुल बेइंसाफी है, इस पर कोई इंसाफ नहीं है, ये सोचना चाहिए थी। हाँ हम मानते हैं कि जिनके पास सारे यहाँ कश्मीर में बड़े लोग नहीं हैं फिर क्यों वो जाएंगे ये स्टोर पर या फूड ये राशन लेने के लिए, क्योंकि उनके पास ज़रूरत क्या है? क्यों उनके पास पैसे हैं, जिनके पास पैसे वो उसी तरह, मगर ये गरीब के लिए था, ये गरीबों के लिए फ़ायदे के, इसकी सब्सिडी भी गरीबों के लिए कि वो ख़त्म हो चुका है। मगर आज जो इन्होंने नया कानून है, बहुत सारे यहाँ स्टोर बंद है। हाँ असली रसूख वालों के तरफ से या राजबाग के साइड से या जो राजबाग जो जवाहर नगर में खुला है, मगर यहाँ शारी श्रीनगर में क्यों बंद है? खानकाह मौला में बंद है, फतेह कदल में बंद है, नावपोरा में बंद है, नावटा में बंद है, खानियार में बंद है। आप मुझे बताइए क्यों इन लोगों को परेशान करते हैं? क्यों इनको इसलिए परेशान किया जाए आप सड़कों पर निकलें? भैया आप कैसे निकलेंगे? एक मौसम ख़राब है, बर्फ़ गिर गया, फिर वो उनके पास राशन नहीं है, लोग परेशान तरसते हैं आज चावल के लिए। मगर मुझे बताइए ये डायरेक्टर यहाँ का नहीं है, वो कहाँ का है? वो हिंदुस्तान से बाहर का है, वो अमेरिका का है, वो स्टेट का नहीं है, उसको ये पता नहीं यहाँ गरीब लोग क्या करेंगे? गरीबों के पास राशन नहीं है, अरे वो शाम को क्या खाएंगे? वो उनका सोचना चाहिए। आधार कार्ड किसी को वो कहाँ से लाएगा? पहले 100 रुपया फिर बनाएंगे आधार कार्ड। मैं कह रहा हूँ ना, वो लोग किसी किसी कोई कोई असली रसूख वाले घर लाते हैं उनको आधार कार्ड बनाने का, वो उसको पैसे देते हैं, ये गरीब कहाँ से लाते हैं? ये सोचना चाहिए। इस वक्त कोई एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है, इस वक्त गवर्नर एलजी के उसको भी सोचना चाहिए थी। यहाँ के लोगों के पास जो परेशानियाँ हैं, मुश्किल आते हैं, आप देखो इस वक्त ये हालात है, बर्फ़ नहीं उठ सकता है। कृपया अपील ये है कि इन गरीबों का सोचना चाहिए, भाई राशन डिपो जो है इस तरीके से इनको राशन कार्ड पर मिलते हैं राशन, उसी तरीके से दीजिए। और इनको जो गवर्नमेंट ने रखा था, जो आज नहीं निकला ये कानून, ये आज 6 और 5 साल हो गए इसके कानून बना हुआ है, आप पहले इनको कुछ रियायत दीजिए ताकि लोग ये सफर नहीं करेंगे। आप देखते हैं कि